तू है बड़ा रहमान, तू है बड़ा रहमान, झोली मेरी भर दे मौला तेरी ऊंची शान, झोली मेरी भर दे मौला तू है बड़ा रहमान। मन बस्ती में चर्चा तेरा नाम से तेरे मुझ में सवेरा, मन बस्ती में चर्चा तेरा नाम से तेरे मुझ में सवेरा, मेरे दिल की जान झोली मेरी भर दे मौला तू है बड़ा रहमान। सूरज चांद गुलाम है तेरे, रंग ये सुबह शाम है तेरे, सूरज चांद गुलाम है तेरे, रंग ये सुबह शाम है तेरे, मैं तेरे कुर्बान, झोली मेरी भर दे मौला तू है बड़ा रहमान। रब खुशियाँ बेदार है करता, माँ से बढ़कर प्यार है करता, रब खुशियाँ बेदार है करता, माँ से बढ़कर प्यार है करता, क्यों ना कहूँ मीज़ान, झोली मेरी भर दे मौला तू है बड़ा रहमान, झोली मेरी भर दे मौला तेरी ऊंची शान, झोली मेरी भर दे मौला तू है बड़ा रहमान। अल्लाह, बहुत खूबसूरत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे, अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, मैं हूँ आप लोगों की दोस्त, आपकी होस्ट, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे हैं, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे मेहमानों की तरफ से। जुम्मे में जब आप नमाज पढ़ेंगे तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जुम्मे का दिन बहुत फजीलत और अहमियत वाला होता है, ये हम सबको बचपन से पता है, लेकिन आज हज भी है, उसके साथ साथ हज अकबर है। जुम्मे के दिन जो हज होता है उसको हज अकबर कहते हैं। हज अकबर की क्या फजीलत है, पूरे अशरे जिलहज की क्या फजीलत है, इसमें रोजे रखने के कितना सवाब है, कुर्बानी के क्या क्या मसाइल हैं, उस पर गुफ्तगू पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, हमारे पूरे 2 घंटे की नशरियात चलेगी, आप प्लीज हमारे साथ शामिल हो जाइएगा, दुआ भी करेंगे साथ, नातों की महफिल भी सजाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक, और से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अपने मेहमानों की तरफ आप लोगों को ध्यान मुतवज्जा करवाती हूँ। सबसे पहले हमारी सबकी फेवरेट है नाहिदा पर, डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अब्रार, उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आपा जी? अल्लाह का एहसान है, और मेट्रो वन न्यूज की जानिब से
तमाम आलम इस्लाम को हज की रहमतें, बरकतें और साथें मुबारक हो। आमीन। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपा। इसी के साथ साथ जनाब दीबा नाज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी आवाज़ आपने मुलायजा फरमाई हम्द की सूरत में, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम दीबा, कैसी हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह। इसी के साथ साथ एक और प्यारी सहेली हमारी साथ मौजूद है, नातख्वा है वो भी मेरी, उनसे आज पहली मुलाकात है, तो उनका नाम जरा मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मुझे दीबा का नाम तो याद था, इनका नाम याद नहीं था। सैयदा ज़हरा बतूल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सबका मैं खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इंशाल्लाह 2 घंटे की नशरियात है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक जो है हमारी नाते और जो हम लोग बातें करेंगे वो इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हम सबको हज की सआदत नसीब फरमाए। आमीन सुमामीन। इसी के साथ साथ जनाब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों को मैंने सब डिटेल बता दी है। आज के प्रोग्राम में किचन भी होगा, आप लोग मुलायजा फरमाइएगा, तो कहीं जाएगा मत। पहली ब्रेक देते हैं छोटा सा वक्फा। मुस्कुराती सुबह देखते रहिए जी। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सैयदा ज़हरा बतूल की जानिब, उनसे करते हैं कलाम की फरमाइश। जी सैयदा बतूल, ज़हरा बतूल, या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बोला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बोला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, हज का शरफ हो फिर अता या रब्बे मुस्तफा, मीठा मदीना फिर दिखा, मीठा मदीना फिर दिखा या रब्बे मुस्तफा। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बोला, आके मैं देख लूं आँख से काबा तेरा। इसी के साथ साथ नाई दापा मैं आपसे जानना चाहूंगी अशरे ज़िलहज की फजीलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई दिन अशरे ज़िलहज के दिन से ज़्यादा अफजल नहीं और कोई अमल अशरे ज़िलहज के अमल से ज़्यादा अफजल नहीं। सुभानअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि ये ज़िक्र अल्लाह, तस्बीह और दुआओं के दिन हैं, हम परवरदिगार आलम के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें ताकि हमारी दुआएं जो हैं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन 10 दिनों में 1 दिन का रोज़ा रखेगा तो उसे 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब दिया जाएगा, और जो इन रातों में जाकर इबादत करेगा तो उसे शबे कदर में जागने के बराबर सवाब दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 8 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा उसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर सवाब मिलेगा, और जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखेगा
करेगा तो उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सवाब की तरह सवाब हासिल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अरफे का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत फैला देता है और इस दिन से ज्यादा किसी दिन भी लोग जहन्नुम से ज्यादा आजाद नहीं किए जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अरफे के दिन का रोजा रखेगा तो अल्लाह ये रोजा एक रोजा जो उसके पिछले तमाम गुनाहों का कुफारा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अरफे का दिन होता है और हाजी लोग अरफात के मैदान में आते हैं तो अल्लाह ताला कह फरमाता है कि देखो मेरे बंदों को, धूप में दूर दराज इलाकों से आए हैं, चेहरा गुबार आलूद है, बाल गुबार आलूद है, और फिर कहते हैं कि फरिश्तों मैंने तुम्हें गवाह बना कर ये कह दिए कि जाओ इनसे कह दो कि मैंने इन्हें बख्श दिया है। तो ये जिक्र अल्लाह के दिन है, ये तस्बीहात के दिन है। हम ज्यादा से ज्यादा इस 10 दिनों में अपने रब को याद करें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफे के दिन की खास दुआ जो मेरी जुबान से भी अदा हुई और दीगर अंबिया की जुबान से भी अदा हुई कि अल्लाह तू हमारा माबूद है, तेरा कोई शरीक नहीं, मेरे रब तेरी हम तेरी बादशाही है और तू हर चीज पर कादिर है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत ही खूबसूरत आपने इसका हमें बिल्कुल बताया और हमें बहुत हमारी रूह जो है ना वो पुरनूर हो गई ये सब जानकर। मजीद सवालात भी आपसे करेंगे। दीबा आपकी तरफ बढ़ते हैं, एक कलाम की फरमाइश। जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं हो शोके रद मफलूज हुए दिल ज़ौके तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर एहसास के पर्दे लहराए, ईमां की हरारत तेज हुई एहसास के पर्दे लहराए, ईमां की हरारत तेज हुई, सजदों की तड़प अल्लाह अल्लाह, दिल ज़ौके तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सका जो सोचा था, इजहारी अकीदत की धुन में इजहारी तमन्ना भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशों में रद मफलूज हुए दिल ज़ौके तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर। अदीबा बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। आपा मैं आपसे जानना चाहूंगी, हज एक मुकद्दस इबादत है, हज के मायने क्या है? देखिए हज के मायने जो हैं ज़ियारत का इरादा करने के हैं
और शरीयत की इस्लाह में हज बैतुल्ला की ज़्यारत का इरादा करने को हज कहते हैं। हज का सफ़र अकीदतों का सफ़र, क़ुर्ब इलाही का सफ़र, मोहब्बतों का सफ़र, तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जिसने अपने हुरमत वाले घर खाना काबा का हज हम पर फ़र्ज़ किया। इसको इस्लाम का एक अहम रुकन करार दिया। हर आकिल बालिग और साहिब इस्तेताज शख्स पर इसको फ़र्ज करार दिया। खाने काबा मुसलमानों की वाहिद इबादत गाह है जहाँ पर 24 घंटे इबादत होती है और देखिए कहकशां एक लम्हे को भी तवाफ नहीं रुकता। जब तक ये दुनिया बनी है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी एक लम्हे को अल्लाह के घर का तवाफ कभी भी नहीं रुकेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोगों पर अल्लाह का हक है, जो इसकी तरफ राह चलने की कुदरत रखता है उसको चाहिए कि वो हज करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हासिल करने के लिए हज की या उम्रे की नियत करे तो इसे ज़रूर पूरा करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐसे लोगों को ना छोड़ो जो रब के फजल और बख्शिश की तलाश में हुरमत वाले घर की तरफ जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो काबतुल्ला में दाखिल हो गया, नेकी में दाखिल हो गया और बुराइयों से पाक होकर मगफरत पा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाजी लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं, जब वो दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और जब वो मगफरत तलब करते हैं तो अल्लाह ताला बख्श देता है। हाजी लोगों पर अल्लाह ताला 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, 60 रहमतें उन लोगों के लिए जो वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, 40 रहमतें उन लोगों के लिए जो वहाँ पर तवाफ करते हैं और 20 रहमतें उन लोगों के लिए जो सिर्फ खाने काबा को देखते हैं। इसी के देखिए कहकशां तीन लोगों को, तीन चीज़ों को देखना भी इबादत है। कुरान पाक को देखना इबादत है, खाने काबा को देखना इबादत है और वालदेन को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि हरम की एक नेकी जो है वो 1,00,000 नेकी के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी सवारी पे सवार होकर हज या उमरा करता है तो उसके नामे अमल में 70 नेकियां लिख दी जाती हैं और जो पैदल हज करता है तो हर कदम के बदले अल्लाह ताला 700 नेकियां जो हैं उसके नामे आमाल में लिख देता है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक मैं हज पे जा रहा था, एक नौजवान को देखा कि तेज तेज कदमों से जा रहा है, तो मैंने उस नौजवान से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उनका हजरत मैं हज के लिए जा रहा हूँ। तो कहने हज का सफ़र बहुत मुश्किल है, बहुत दूर दराज है, ना तो पर दाना है ना पानी है और ऐसे ही जा रहे हो तुम। तो उसने कहा कि हजरत जब कोई किसी को अपने घर मेहमान बुलाता है आपको तो क्या आप खाना पीना अपने साथ लेकर जाते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो कहने जिस रब ने मुझे बुलाया है मेरा खाना पीना रहना ठहरना सब मेरे रब की जिम्मेदारी है। तो हजरत वो मालिक बिन दीनार कहते कि मैंने रास्ते में उससे खाने पीने के लिए कहा तो उसने हर चीज़ लेने से इनकार कर दिया। जब मैं काबतुल्ला में गया तो उसको भी ढूंढा तो कहीं नजर नहीं आया, देखा कि वो मना के मकाम पर खड़ा है, उजारो कतार अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मेरे रब यहाँ पर लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, लिहाजा मैं तेरे हुजूर अपनी जान का नजराना पेश कर रहा हूँ। और उसने आसमान की तरफ देखा है, चीख मारी और उसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर गई। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि गैब से आवाज़ आने लगी कि ये अल्लाह का हमारा प्यारा बंदा है और अल्लाह के इश्क की तलवार से कत्ल हुआ है। तो फिर मालिक बिन दीनार कहने लगे कि मैंने उसकी तदफीन के सारे इंतजाम किए। देखिए जो फिर अल्लाह का हो जाता है ना कहकशां, तो कायनात की हर शय उसकी मती हो जाती है। तो जब हम हज के लिए जाएं या हम उम्रे के लिए जाएं तो हम अपनी नियत को साबुत रखें, हम नेक इरादों के साथ जाएं, हम नेक तमन्नाओं के साथ जाएं कि हमारा रब हमारे एक एक अमल से वाकिफ है और हम हर इबादत जो सच्चाई की नियत के साथ करें। देखिए ना, अगर हराम कमाई से कोई सदका करता है, कोई नमाजें पढ़ता है, कोई हज करता है, कोई उम्रा करता है तो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। तो जब हज या उम्रे के लिए जाएं तो हलाल कमाई के साथ जाएं, हलाल कमाई से अपने
टिकट खरीदें और वहां जाएं तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए जाएं, किसी नमूदो नुमाइश के लिए नहीं जाएं कि आजकल लोग हज पे जाते हैं तो सबको फोन करके बता रहे, नहीं, अपने दिल की गुबार को खत्म करके जाएं, अपने दिल की कोताहियों को दूर करके जाएं। आप इसी के साथ साथ एक कॉलर है, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारी बहन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया मेरे प्यारे भाई, आप खैरियत से हैं? पहले तो आपा को बहुत सलाम हो, मुझे बड़े दिन बाद इनसे मौका मिला है, मेट्रो पे पहले भी इनसे आती थी, बात होती थी इनसे, तो आपा को बहुत सलाम हो और ये बहुत अच्छा हमें समझाती हैं। मेरा देखिए बात ये है कि हम लोग सारी जो लोग हज कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका हज कबूल करें और उनको मुबारक हो और हमें भी तौफीक दे हज करने की। लेकिन मेरा आपा से सवाल ये कि आपा, देखिए हज करने के बाद इंसान के ऊपर अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे कर देता है गुनाहों से पाक, लेकिन आपके सर पे एक जिम्मेदारी भी हो जाती है, क्योंकि जब आप हज करके आते हैं तो आप एक नए यानी एक नई जिंदगी एक तरह से शुरू करते हैं गुनाहों से पाक। लेकिन जब हम आने के बाद कुछ दिनों बाद तो हम पे असर रहता है उसका, उसके बाद जो है वही हरकतें हम शुरू करते हैं, वही झूठ, वही बेईमानी, वही सब कुछ। मुझे ये बताइए कि हज अगर करने के बाद हम फिर वही हरकतें कर रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आई थी, हम किस तरह उससे बच सकते हैं, और जो असल कुर्बानी जो हम कर रहे होते हैं उस कुर्बानी को जब ईसार या कुर्बानी हम इस तरह कह सकते हैं अगर हम एक दूसरे को की पासदारी करें और जो जो वाकई कुर्बानी के जो जज्बा है नमूद नुमाइश के अलावा उसको इजागर करने के लिए हमें अपने बच्चों को समझाएंगे हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच आया भाई, हम आप मालूम करके आपस में बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी आप देखिए याया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जिस चैनल पर होती हूँ आप हमेशा फ़ोन करते थे, मैं ARYQ टीवी पर होती हूँ तो वहाँ सिर्फ लेडीज़ के प्रोग्राम में लेडीज़ कॉल कर सकती हैं। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है और आज आपका जो सवाल है आजकल तमाम दुनिया में रहने वाले इंसानों के लिए लहमे फिक्रिया भी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। देखिए कि मालिक बिन दीनार कहते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा, मैं हज करने के लिए जा रहा था, वो भी जा रहा था, जब उसको हज का बुलावा आया तो हज या उम्रे पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, नसीब वालों को अल्लाह ताला बुलाता है और अल्लाह ताला नियतें देखकर बुलाता है, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यह सब मैंने बहुत पैसे वाले लोग देखे हैं जिनके पास दौलत के अंबार हैं लेकिन वो हज या उम्रे की सआदत उन्हें नसीब नहीं होती, और हज या उम्रे का ताल्लुक दिल की गहराइयों से। मैं कहती हूँ साल में जो लोगों के पास मुनाफा होता है वो हैप्पी न्यू ईयर मनाने मलेशिया चले जाते हैं, वो बाहर के ममालिक चले जाते हैं। अपने दिल से अपने रब को तो याद करो, छोड़ दो, मलेशिया से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जहां जा रहे हो तफरी करने वहां से कुछ नहीं मिलेगा, असल में तो हमें सब कुछ रोजे रसूल पर हाजिरी लगाने के बाद मिलेगा और खाने काबा की जियारत करने के बाद। कहते हैं कि हज अहले ईमान के लिए मगफिरत का रास्ता है और गुनाहों से कुफारा है, और इंसान इस तरह हो जाता है जिसने हज को अपने मबरूद बना लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए मतलब नेकियों के दरवाजे खोल देते हैं और इस तरह पाक साफ होकर आता है कि जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। तो हम हज भी करें तो सच्चाई की नियत के साथ करें, इस नियत के साथ करें कि हम जो कुछ जैसे हम हज पे गए 5 वक्त की माँ नमाज पढ़ रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, तो इस अहद के साथ कि हम ये 5 वक्त की नमाज आकर हम पाकिस्तान जब अपने मुल्क वापस आएंगे तो जब भी हम अदा करेंगे, जिन गुनाहों से हम तौबा करके गए तो जिंदगी भर हम अपने दिल से पक्का वादा लेकर जाएं कि मेरे रब हम आने के बाद भी हम इन गुनाहों की तरफ रागिब नहीं होंगे। तू तो हर जगह है, जाहिर का भी जानने वाला है, बातिन का भी जानने वाला। और देखिए हमारे लिए मकाम शुक्र है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं हज पे जा रहा था, एक शख्स को देखा कि उसका जब हज का बुलावा है तो सारे रास्ते वो शुक्राने के नफिल अदा करते जाते कि मेरे रब मैं कहां, तू मुझे अपने घर बुला रहा है, मेरी कोई औकात नहीं। तो ये मकाम शुक्र भी है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाई, तो हम इस हाजिरी का भी भरम रखें। वहां से आए जिस तरह हम बुराइयों से पाक साफ होकर गए थे, अपने दिल की कुदूरतें खत्म करके गए थे, नफरतों को खत्म करके गए थे, हम अपने दिलों को मोहब्बतों से आबाद करके गए थे, तो आए आने के बाद वैसे ही हम हुकूक उल इबाद अदा करें, जिस तरह हम नमाज पढ़ते थे वैसे ही नमाज पढ़ें। एक
बनी इसराइल में एक मरतबा कहत पड़ा तो एक शख्स जा रहा था, उसने एक लोग भूख और प्यास की शिद्दत से मर रहे थे, उसने मट्टी का एक टीला देखा, कहने का मेरे रब काश ये गले का टीला होता तो मैं लोगों में ये तकसीम कर देता। तो अल्लाह ने वही भेजी शख्स के पास, कह दो कि तेरी नीयत कबूल हो गई, तेरी नीयत के बदले तेरा सदका जो था ये कबूल हो गया। तो आमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है, और जो नीयतों को पक्का कर ले तो मेरे ख्याल है कि वो कभी भी गुनाहों के दलदल में नहीं फंस सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपा। अब इसके साथ साथ बढ़ते हैं जहरा आपके कलाम की तरफ। एक बार फिर करम की नजर ऐ मेरे हुजूर, एक बार फिर करम की नजर ऐ मेरे हुजूर, देखूं वो प्यारा तैबा नगर ऐ मेरे हुजूर, एक बार फिर करम की नजर ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर। जकड़ा है मुझको रल जो आलम ने मेरे शाह, जकड़ा है मुझको रल जो आलम ने मेरे शाह, लिल्ला लीज मेरी खबर ऐ मेरे हुजूर, लिल्ला लीज मेरी खबर ऐ मेरे हुजूर, देखूं वो प्यारा तैबा नगर ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर। वक्ते कजा से कबल मयसर हो एक बार, काबे से फिर मदीने सफर ऐ मेरे हुजूर, काबे से फिर मदीने सफर ऐ मेरे हुजूर, देखूं वो प्यारा तैबा नगर ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे हुजूर। सुभान अल्लाह जहरा, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा आपा, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं हज के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी इतनी इस्तेआत नहीं होती, लेकिन दिल से वो चाहते हैं कि अल्लाह का घर देखें और ज़िंदगी भर तक ये ख्वाहिश करते रहते हैं, तो लोग किस तरह से, कौन कौन सी ऐसी दुआएं हैं, या दिल में सिर्फ ये सोचना या अल्लाह से कनेक्शन बना लेना काफ़ी, अल्लाह पाक जरिए खुद ही बना देते हैं? देखिए अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ताला ने यही तो कहना कि आकिल बालिग और साहिब इस्तेआत शख्स पर हज को फर्ज किया है। जाहिर जिनके पास खाने को नहीं, वो इतना महंगा टिकट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब नियत सच्ची हो ना, कि मंजिल के लिए दो गाम चलें और मंजिल सामने आ जाए, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वो रास्ते बना देता है। देखिए ना, गवर्नमेंट के इदारों में हज का कोटा, एक साहब की इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हज पे जाऊँ, उनकी जिंदगी की आखिरी तमन्ना थी, इत्तेफाक से कहीं कि उनका नाम निकला है। जब अल्लाह ताला किसी को अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाता है तो अल्लाह ताला खुद उसके रास्ते बना देता है। देखिए कि अब्दुल क्या नाम है, एक साहबी थे, उन्होंने हज के लिए गए तो रात में हज की ज्यारत करने के बाद, काबतुल्ला की ज्यारत करने के बाद वो आराम फरमा रहे थे, तो रात में उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक, रात में उन्होंने ख्वाब में देखा कि आसमान से दो फरिश्ते हैं तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किसका हज कबूल हुआ। तो एक ने कहा कि हज में छः लोग
6 लाख लोग शरीक हुए, लेकिन सिवाय एक शख्स के जिसने हज नहीं किया, उसका हज कबूल हुआ और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने सबको बख्श दिया। तो देखिए कि ना, फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक की आँख खुली तो ज़ारो क़तार रोने लगे। फिर फरिश्ता आया कि उसका नाम दमिश्क का रहने वाला शख्स है और उसका नाम अली बिन अल-मौफिक है। तो जैसे ही आँख खुली तो उन्होंने उसका पता निकाला और उसके दरवाजे पे गए। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो वो निकला, अपना नाम उसने बताया तो वही नाम था उसका। फिर उन्होंने अब्दुल्ला बिन मुबारक ने उसी सूरी सारी सूरत हाल बताई तो वो शख्स रो रो कर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो उसने कहा कि मैं लोगों के जूते सीकर गुजारा करता हूँ और 30 साल से मैं जूते सीकर लोगों का अपना गुजारा कर रहा हूँ, अपनी और अपनी फैमिली का, और ये पैसे मैंने जमा किए थे कि मैं हज पर जाऊंगा। लेकिन जब मेरी बीवी ने मुझे आके बताया कि आपके पड़ोसी और उनके बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और मरे हुए जानवर का गोश्त खा रहे हैं, तो मेरे हज के जो पैसे थे सारे मैं उनको देकर आया और कहा कि जाओ अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान खरीदो और अपना पेट भरो, ये तो मेरे रब की मेहरबानी कि उसने मुझे बगैर हज किए हज का सवाब अता फरमाया। देखिए इबादतों में मखलूक खुदा की खिदमत भी बहुत बड़ा दर्जा रखती है। आप कहकशा किसी का दिल रख कर तो देखें, है ना, आप किसी के काम आकर तो देखिए, आप किसी की मदद कर कर तो देखें, आप किसी बीमार की इयादत करके तो देखें, आप किसी बीमार को दवाइयां तो प्रोवाइड करके देखें, जो इल्म से महरूम है आप उसे किताबें तो दिलाकर देखें, उसके फीस का खर्चा बर्दाश्त करके तो देखें, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत तो रखें, किसी मसाकिनों के लिए आप 2 वक्त की रोटी का तो एहतमाम करें, आप किसी जिस शख्स के पास खाने पीने के लिए बेसिक नीड्स उसकी पूरी नहीं हो रही, आप उसकी जरूरत जिंदगी पूरी करके तो देखें, अल्लाह ताला आपके सारे रास्तों में आसानियां पैदा फरमा देगा। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बस्ती की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेता जहां पर कोई शख्स सुबह इस हाल में उठे कि उसने रात में खाना ना खाया हो। तो आप किसी का दिल रखकर तो देखें, किसी गरीब किसी बेवा की जरूरत जिंदगी तो पूरी करके देखें। जब खिदमत खल्क का वक्त आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, हमारे पास पैसे हैं लेकिन किसी जरूरत जिंदगी किसी शख्स की पूरे करने के लिए उनकी जेब से पैसे नहीं निकलते ना। तो देखिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने पर भी अल्लाह ताला ने इंसानों के दर्जात बुलंद फरमाए, उसके लिए आसानियां पैदा फरमाई हैंगी और उसके लिए जन्नत के दरवाजे जो है उसी कर दिए। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स जन्नत में जहां जाता था जो फल चाहता था खा लेता था, जो मेवे चाहता था खा लेता था। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये कौन शख्स है जो जहाँ चाहता है जो मेवे खाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वो शख्स है जिसने किसी के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा दी थी। तो आप किसी के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज तो हटाएं तो आपको हज और उमरे के बराबर सवाब मिलेगा। बुलावा तो आता है, उसके लिए भी आमाल की सच्चाई, नीयत की सच्चाई, किरदार की सच्चाई, अफकार की सच्चाई होना बहुत जरूरी है कि आप किस दिल से दुआ मांग रहे हैं। देखिए सच्चे दिल से मांगी हुई कोई दुआ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह। आप जो लोग वहाँ पर जाते हैं हज की सादत नसीब उनको होती है, अगर उनका वहाँ इंतकाल हो जाए जी तो क्या खूबसूरत उनकी तो आखिरत की जो है मतलब तैयारी अच्छी हो उनके तमाम गुना। फिर लोग जाते हैं तो फिर उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि जन्नतुल बकी में उनको जैसे उनको दफनाया जाए कि मदीने में जन्नतुल बकी जो है वो वाक़ है कि वहाँ पर असहाब अजवाज मतारात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे साहबजादियाँ सालीन शुदा सिद्दीकीन वहाँ पर दफन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाते थे और उनके लिए दुआएं मगफरत करते थे। तो लोगों की बहुत एक सामने मदीना हो और दम निकल जाए तो लोगों की जिंदगी की बहुत बड़ी अवलीन ख्वाहिश होती है कि हम जाएं तो फिर हम वापस ना आए। तो मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन बहुत खुश नसीब होते हैं वहाँ पर के वहाँ जाते हैं और जियारत अल्लाह ताला के घर की जियारत करने के बाद वहाँ की मट्टी उन्हें नसीब हो जाती है। बिल्कुल, मैंने ये सुना है आपा के सब कहते हैं जब काबे पे पहली नजर पड़ती है जी तो ज़ारो कतार जो है वो रोना निकल जाता है। जैसे कि नात में भी अभी रिबा ने फरमाया कि काबे पे पड़ी जो पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया भूल गए। तो वो कैफियत क्या होती है? मैंने तो आज तक कभी नहीं गई। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं जी कि मैं 19 साल से हर साल उम्र करने जा रही हूं माशाल्लाह, और मैंने लातादाद उम्र की है। मुझ पर हज फर्ज हो गया, अभी कोविड की वजह से 2 साल से नहीं जा रही है। अब जैसे ही
मुहर्रम के बाद मेरा जाने का इरादा है। देखिए ने आमाल का दारो मदार तो नहीं है, तो पर मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, अपने कोई अपने लिए कोई बड़े बड़े दावे नहीं करती, लेकिन दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। और जब इंसान वहां पर जाता है और जब काबे पर पहली नजर पड़ती है तो क्या दिल की कैफियत होती है वो अल्फाजों में इंसान बयान नहीं कर सकते कि अपने उसके सारे जिंदगी के गुनाह उसके सामने होते हैं और अल्लाह के घर में अल्लाह सामने और हम दुआ के लिए हाथ बुलंद कर रहे हैं। तो इंसान वाकई अपने होशो हवास में नहीं रहता, और फिर इसीलिए तो कहा कि होशो हवास में रहो और दुआ मांगो, इसलिए कि जब काबे पे पहली नजर पड़ती है और जो दुआ मांगी जाए तो वो दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है वो काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ ज़हरा आपसे कलाम की फरमाइश करना चाहूंगी। दीबा ज़हरा, दीबा में कंफ्यूजन नहीं हो गई आज? तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। तहबा को जाने वाले तुझे देती हो दरे मुस्तफा पर, तू जहां को भूल जाए कि दरे मुस्तफा पर, तू जहां को भूल जाए रौजे के सामने निकल तो जाए ये समा बदल ना जाए, मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल ना जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। लो चली हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो, लो चली हूँ मैं लहद में मेरे मुस्तफा से कह दो के हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। बहुत खूबसूरत दीबा। इसी के साथ साथ ज़हरा आपसे भी एक कलाम की फरमाइश करना चाहूंगी। या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना।
रब्बना या रब्बना इरहमलना, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहमलना, या रब्बना इरहमलना। हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, हरम में मैं हाजिर हुआ बन के मुजरिम, ये लबैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहमलना, या रब्बना इरहमलना। मिले तारहूं बोसाए संगे अस्वद में, ले दिल की सियाही मिटाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहमलना, या रब्बना इरहमलना, या रब्बना इरहमलना, या रब्बना इरहमलना। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जहरा मुझे ये बताइए, आज हमारी पहली मुलाकात है, आप कितने अरसे से नात खवानी कर रही? मैं बचपन से पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह, बचपन से अब तक, अभी भी आप छोटी सी लग रही हैं मुझे माशाल्लाह। कितने साल हो गए? ये तो मैंने भी नहीं सोचा कितने साल हो गए। ये आज तक कभी मुझे, जब से अपना होश मैंने संभाला तब से मुझे शौक है। सुभान अल्लाह। तो मतलब कोई आपने कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में हिस्सा लिया? स्कूल से शौक था, स्कूल में कॉम्पिटिशन होते थे उसमें हिस्सा लेती थी? नहीं, घर में माहौल ही ऐसा था। माशाल्लाह, रसूल है और इनकी एक बहन और ये दोनों बहनें नाचवानी करती हैं बचपन। माशाल्लाह, आंटी के साथ तो शुरू से ही रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नाहिद आप अभी बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि मैं तो आज पहली बार आपसे मिली ना, तो मुझे अंदाजा नहीं था, वरना सबके दीवा के नाम भी मुझे इतनी रवानी से याद है, आपका नाम मुझे लिखना पड़ा। माशाल्लाह, बड़ा भी नाम है सैयदा जहरा बतूल, तो मैं तो आपको जहरा बुलाऊंगी, कोई मसला तो नहीं? बस ठीक है। दीबा, आप खैरियत से हैं? मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए, आप कितने अरसे से नातख्वानी कर रही हैं? मुझे भी नातख्वानी का शौक बचपन से ही था। हैंड माइक से ही बोलेंगे आप, क्योंकि माइक तो आपको। हाँ, मुझे भी नातख्वानी का शौक जो है बचपन से ही था, यानी जब से होश संभाला। सुभान अल्लाह। तो मुझे इस तरफ मेरा रुझान शुरू से ही था, तो जब मैं छोटी सी थी तो कोई भी है ना महफिल मिलाद का प्रोग्राम, चाहे वो जेंट्स की भी महफिल होती थी, तो मैं जाकर माइक लेकर कॉन्फिडेंस के साथ और खुद पढ़ने बैठ जाती थी। तो बस फिर जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि इसका रुझान इस तरफ है, तो उन्होंने फिर मुझे और ज़्यादा इस मेरे शौक को, वो देखे ना, पेरेंट्स की सपोर्ट होती है, अगर अगर हाँ मैरिड होते हैं तो फिर हस्बैंड की सपोर्ट होती है, उसी से इंसान जो है वो। मेरी मदर, माशाल्लाह, इसमें बड़ा हाथ है। माशाल्लाह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुझे खुशी हुई आप लोगों के बारे में जानकर। नाहिद आपा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, सही किसे कहते हैं और इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, मनासिक हज में सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाने को सही कहते हैं, और सही के मायने हैं तलाश करने के, ढूंढने के, जो किसी मकसद के तहत की जाए। जब हम सही का जिक्र करते हैं तो हज़रत बीबी हाजरा के तस्लीम और रज़ा, अहद व वफ़ा, ईसार और क़ुरबानी को सलाम अकीदत पेश करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करना ईमान का तकाजा है,
और बंदगी की मेराज है, ईमान की मेराज है, मोहब्बत की मेराज है। जो अल्लाह के नेक बंदे बंदियां होते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए गुजरती है। जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी सब्र इस्तक़लाल में गुजरी। देखिए, कभी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए बेटे को क़ुरबान कर रहे हैं, कभी तौहीद का परचम बुलंद करने के लिए उन्हें आतिश नमरूद में डाला जा रहा है, तो और कभी अल्लाह की रज़ा पर जो है मासूम शीरख्वार इस्माइल और बीबी हाजरों को बेअबान जंगल में छोड़े जा रहे हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा और शीरख्वार इस्माइल, जो बड़ी मन्नतों मुरादों के थे, बहुत लाड प्यार के थे, बेअबान जंगल में छोड़ आए तो बीबी हाजरा ने कहा कि इब्राहीम, यहाँ तो दूर दूर तक इंसानों का वजूद नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, तुम मुझे यहाँ पर किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर दोबारा बीबी हाजरा ने कहा कि इब्राहीम, यहाँ तो दूर दूर तक आबादी नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है, मेरा इतना छोटा बच्चा शीरख्वार, तुम मुझे और मेरे शीरख्वार बच्चे को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। जब बीबी हाजरा ने गरज के पूछा कि इब्राहीम, बोलते क्यों नहीं, क्या ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मेरे रब का हुक्म है। तो गरज के बोला कि जाओ इब्राहीम, यहाँ से चले जाओ, मेरे और मेरे शीरख्वार बच्चे का वारिस तो मेरा परवरदिगार आलम है, जो दोनों जहानों का परवरदिगार है, चले जाओ, मेरा दाना पानी, मेरे बच्चे की हर जरूरत मेरे रब के सुपुर्द है। अब देखिए कि यहाँ पर एक माँ की ममता का भी इम्तिहान है, उसकी बेकरारियत का भी इम्तिहान है, उसकी इस्तराबी कैफियत का भी इम्तिहान है। एक माँ अपने बच्चे की खुशी पर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती है। बच्चा परेशान हो तो माँ परेशान होती है, बच्चा खुश हो तो माँ खुश होती है, उसकी खुशी को देखकर जीती है और उसके गम में उदास रहती है। जब बीबी हाजरा ने देखा कि मासूम शीरख्वार इस्माइल के लब जो हैं प्यास की शिद्दत से सूख रहे हैं, तो दीवानावार कभी सफा के पहाड़ी पर जाती, कभी मरवा की पहाड़ी पर जाती कि मेरे बच्चे को कहीं से पानी मिल जाए, पानी की तलाश में। तो देखिए, जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। तो अल्लाह ताला को उसकी ईमानी ताकत पर उनकी इतना प्यार आया कि मासूम इस्माइल की शीरख्वार इस्माइल की फूल जैसी एड़ियों ने चट्टानों के मुंह तोड़ दिए और एक पानी जारी हुआ जिसे जमजम कहते हैं, और जब तक ये दुनिया कायम और दायम रहेगी इस पानी की शाखें जारी और सारी रहेंगी और लोग उनसे फैजियाब होते रहेंगे। सुभान अल्लाह। देखे ना आपा, हमें तो सबको इतनी फिक्र होती है हमारा फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से प्लानिंग करके बैठे हुए होते हैं कि हमें अगले साल क्या करना है, हमें तो पल भर की खबर नहीं है। और देखिए ना, आपके एक लकोदक सहरा है जहाँ दूर दूर तक इंसानों का वजूद नहीं, वादी जिसमें दो सयाह पहाड़, लेकिन जैसे ही अल्लाह के हुक्म पर बीबी हाजरा ने वो वहाँ कदम रखा तो वो वादी जो है वो अनवारे तजलियाते इलाही का मरकज बन गई। जहाँ चरिन पर इनका वजूद नहीं था, आज लाखों की तादाद में मुसलमान वहाँ पर जाते हैं और सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाकर बीबी हाजरा के इस अमल की पैरवी करते हैं। और जब तक किसी मर्द या औरत का हज या उम्रा कबूल नहीं होगा जब तक कि वो बीबी हाजरा के इस अमल की पैरवी ना कर ले। सुभान अल्लाह, क्या मकाम अता फरमाया अल्लाह ताला ने बीबी हाजरा को। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपा। यही तो मैं मतलब प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि कितनी बातें हम लोग वैसे सुन रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, घरों में भी हमें पढ़ाई जाती है, बचपन से स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमागों से वो हट जाती है। हट तो आपसे जब हम बात करते हैं, आप इतनी खूबसूरती से सबको बताती हैं, समझाती हैं। फिर ये देखिए कि सफा और मरवा जो है कुरान पाक में अल्लाह ताला इशाद फरमाता है कि बेशक सफा और मरवा हमारी निशानियों में से हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शायरुल्ला कहा है कि जो इन हमारी निशानियों की ताजीम करता है तो ये ताजीम दिलों का तकवा है। और ये सफा और मरवा की जो दोनों पहाड़ियां अल्लाह ताला की अजमत किब्रियाई जाहो जलाल शानो शौकत की दलील हैं, और इन मतलब कि जो हज या उम्रा में एक अहम रुकन सही है जो सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाने के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों को शायरुल्ला कहने की एक हिकमत ये भी थी कि इसके
पीछे हुक्म इलाही अतात इलाही इश्क व मोहब्बत की एक अजीम दास्तान वाबस्ता है जिसका मरकजी किरदार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया उम्मे इस्माइल हजरत बीबी हाजरा हैं। और देखिए फिर क्या अल्लाह ताला नबी मिस शहजादी मिस्र हैं, नबी की बीवी हैं, नबी की माँ हैं। और अल्लाह ताला ने एक और दर्जा दिया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दुनिया में मबूस फरमाए। तो कितने दर्जात उनके बुलंद फरमाए अल्लाह ताला ने। और फिर जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है तो फिर अल्लाह भी हर कदम पर उसकी मदद फरमाता है। बिल्कुल, आपा जो लोग सब्र कर लेते हैं, जो सब्र करने वाले होते हैं, उनको आखिरत में क्या उनका मकाम होता है? भाई सब्र का तो बदला जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम सब्र करो, सब्र का बदला तो जन्नत है। बेशक मैं अल्लाह ताला कुरान पाक में इशाद फरमाता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा तीनों सब्र की मंजिल पर थे। एक आज कोई किसी शोहर और कितनी अतात गुजार थी अपने शोहर की, कितनी इबादत गुजार थी कि आज कोई शोहर अपनी बीवी से कह दे कि चलो तुम्हारे शीरख्वार बच्चे को मैं एक जंगल में छोड़ा तो कभी जाने के लिए तैयार नहीं की। कितना मतलब सब्र की मंजिल पे थी कि ये मेरे अल्लाह का फैसला है तो चले जाओ इब्राहिम, मेरे मेरे बच्चे का वारिस तो अल्लाह ताला है। तो जब ऐसा हुक्म अल्लाह ताला का माना उन्होंने, और आप देखिए दिल में जब कोई किसी को छोड़ा है तो 10 वसवसे आते हैं कि यहाँ तो कुछ खाने के लिए नहीं है, यहाँ तो हमें कोई हमें मार ना दे, हम भूख की शिद्दत से मर ना जाएं। लेकिन जो शख्स अल्लाह की रजा पर राजी रहता है तो उन तमाम चीजों से बेनियाज होता है। कहता है कि मेरा दाना पानी, मेरे बच्चे का वारिस, मेरा वारिस, मेरा मुहाफिज तो मेरा परवरदिगार आलम है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत, मेरा जीना मरना मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। और अल्लाह की अतात ही बंदगी है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ साथ नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे। कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।